अभिषेक कुमार और ईशा, इन दोनों का बिग बॉस के घर के अंदर इतना झगड़ा हुआ है और इतने सारे इन लोगों ने मिलकर बातें रिवील करी हैं कि ये दोनों पॉसिबल है ही नहीं कि पैचअप कर पाए। वॉयलेंस, प्यार, सैडनेस, धोखा, सब कुछ इन लोगों के बीच में हुआ है। और घर से बाहर आने के बाद जब शो खत्म हो गया था, अभिषेक ने ये बोला भी था कि ईशा से दूर होना मेरे लिए थेरेपी है और मैं ईशा को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहूंगा। बट इस वैलेंटाइन पर क्या हुआ, इस वैलेंटाइन पर अभिषेक ने कुछ ऐसे हिंट्स दिए हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद शायद अभिषेक ईशा से पैचअप करना चाहते हैं शायद। क्योंकि अभिषेक ने वैलेंटाइंस डे वाले दिन इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी को शेयर किया और भाई ये जो स्टोरी थी ना, क्लियरली क्लियरली ये बता रही है कि उनको, मतलब अभिषेक को, कहीं ना कहीं ईशा के साथ करने का मन है। क्योंकि उन्होंने स्टोरी पे लिखा, मैं तुझे उतना ही चाहता हूं अभी भी, तुझे खोना नहीं चाहता कभी भी, पर अब जब मैं तुझे नहीं चाहिए, मेरी आवाज रह रही है दबी सी। आप ऊपर देख भी सकते हैं कि अभिषेक की प्रोफाइल से, अभिषेक की इंस्टाग्राम आईडी से ये वीडियो, सॉरी ये जो स्टेटस स्टोरी है वो शेयर की गई है। इसको देखकर ही भाई सभी कयास लगा रहे हैं कि शायद अभिषेक को ईशा वापस चाहिए अपनी लाइफ में। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता, क्या लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातचीत होती है या नहीं, या फिर लोगों के बीच में कोई भी एक छोटा मोटा ही सही, एक म्यूजिक वीडियो का प्रोजेक्ट ही सही आता है या फिर। लेकिन आप हमें कमेंट करके शुरू बताइए कि आपको अभिषेक का लेटेस्ट सॉन्ग कैसा लगा। इसी तरीके से हमारी हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।